एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक घोड़ा और एक बाघ रहते थे। घोड़ा बहुत शक्तिशाली और तेज था, जबकि शेर बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। एक दिन जंगल में घूमते समय घोड़ा और शेर एक दूसरे से मिले। शेर ने घोड़े को देखा और उसे अपना शिकार बनाने का फैसला किया। शेर ने घोड़े से कहा कि वो उसे खा जाएगा। घोड़ा बहुत डरा हुआ था। उसने शेर से कहा कि वो उसे न खाए। शेर ने कहा कि वो घोड़े को क्यों नहीं खाएगा। घोड़े ने कहा कि वो शेर का दोस्त बनना चाहता है। शेर हंसा। उन्होंने कहा कि एक कमजोर घोड़ा उनका मित्र कैसे हो सकता है। घोड़े ने कहा कि वो शेर की मदद कर सकता है। शेर ने कहा कि घोड़ा उसकी क्या मदद कर सकता है। घोड़े ने कहा कि वो जंगल में शिकार ढूंढने में बाघ की मदद कर सकता है। शेर को लगा कि घोड़े के साथ कुछ गड़बड़ है। उसने घोड़े को अपना दोस्त बनाने का फैसला किया। घोड़ा और शेर दोस्त बन गए। वे जंगल में एक साथ घूमते और शिकार करते थे। एक दिन घोड़ा और शेर जंगल में शिकार कर रहे थे, तभी उनकी नजर एक हाथी पर पड़ी। हाथी विशाल और शक्तिशाली था। हाथी ने घोड़े और शेर को देखा और उन्हें अपना शिकार बनाने का फैसला किया। हाथी ने घोड़े और शेर पर हमला कर दिया। घोड़ा बहुत डरा हुआ था, वह भागने लगा। शेर भी डर गया, लेकिन उसने घोड़ा नहीं छोड़ा। शेर ने हाथी के सामने खड़े होकर उससे लड़ने का फैसला किया। शेर और हाथी के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। अंततः शेर ने हाथी को हरा दिया। हाथी जंगल से भाग गया। घोड़ा बहुत खुश हुआ। उसने शेर को धन्यवाद दिया।